हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट बुक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर भारत के दो राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है। ये भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। इसे शॉर्टकट में यूपी भी कहा जाता है। ब्रिटिश शासन में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जिसे 25 जनवरी 1950 में बदल कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों का शहर लखनऊ है। वहीं राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा थार रेगिस्तान से ढका हुआ है, जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी यानी कि जयपुर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही स्टेट की GDP, एरिया, पॉपुलेशन से लेकर टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसे कई सारे फैक्ट्स के आधार पर इन दोनों स्टेट में कंपेरिजन करने वाले हैं। तो हमारा आज का यह वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों, अगर GDP की बात करें तो उत्तर प्रदेश की GDP 250 बिलियन US डॉलर है और GDP रैंक के मामले में 5वें स्थान पर है। यूपी की GDP ग्रोथ रेट 14% है। वहीं राजस्थान की GDP 140 बिलियन US डॉलर है और GDP रैंक के मामले में 8वें स्थान पर है। राजस्थान की GDP ग्रोथ रेट 5% है। दोस्तों, एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का एरिया 240,928 किलोमीटर स्क्वायर है और एरिया रैंक के मामले में इंडिया का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं राजस्थान का एरिया 342,239 किलोमीटर स्क्वायर है और एरिया के मामले में इंडिया का पहला सबसे बड़ा राज्य है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 22.8 करोड़ के आसपास है और पॉपुलेशन के मामले में इंडिया का पहला सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। वहीं राजस्थान की पॉपुलेशन 8 करोड़ के आसपास है और पॉपुलेशन के मामले में इंडिया का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। दोस्तों, अगर इन दोनों ही स्टेट की सेक्स रेशियो की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 912 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। वहीं राजस्थान में 928 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट 69.72% है। वहीं राजस्थान का लिटरेसी रेट 79.2% है। दोस्तों, अगर रिलीजन्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 79.73% हिंदू, 19.26% मुस्लिम, 0.18% क्रिश्चियन, 0.32% सिख, 0.10% बुद्धिस्ट, 0.11% जैन एंड 0.30% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। वहीं राजस्थान में 88.46% हिंदू, 9.07% मुस्लिम, 1.4% क्रिश्चियन, 1.0% सिख, 0.01% बुद्धिस्ट, 0.90% जैन एंड 0.07% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में आपको टुंडे कबाब, काकोरी कबाब, अरहर की दाल, मटन कोफ्ता, भिंडी का सालन, इलाहाबाद की तहरी, पेड़ा, टोकरी चाट, रेवड़ी और बिरयानी जैसी चीज़ें खाने को मिल सकती हैं। वहीं राजस्थान में आपको दाल बाटी चूरमा, मोहन थाल, लाल मांस, मरवा कचौरी, मिर्ची बड़ा, मोहन मांस, कलाकंद, प्याज की कचौरी, घेवर, बाजरे की रब और मसाला छाछ जैसी चीज़ें खाने को मिल सकती हैं। चलिए दोस्तों, अंत में घूमने फिरने की बात कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में आप ताजमहल, आगरा फोर्ट, बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, टॉम्ब ऑफ अकबर, काशी विश्वनाथ टेम्पल, दुधवा नेशनल पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क, प्रयागराज फोर्ट और मोती मस्जिद जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हो। वहीं राजस्थान में आप अंबर पैलेस, हवा महल, सिटी पैलेस जयपुर, जंतर मंतर जयपुर, मेहरानगढ़ फोर्ट एंड म्यूज़ियम, पिछोला लेक, जल महल और उम्मेद भवन पैलेस जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हो। तो दोस्तों, ये था राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में कंपैरिजन। आपको कौन सा स्टेट अच्छा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।